आयुष्मान भारत योजना। इस योजना का मकसद था देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए साल का स्वास्थ्य बीमा देना, ऐसे परिवारों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। सरकार के खर्चों का हिसाब करने वाली संस्था सीएजी ने आयुष्मान भारत योजना की बड़ी कमियों को उजागर किया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 7,50,000 रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक फोन नंबर से हुए हैं। इसके अलावा एक और फोन नंबर है जिस पर 1,39,000 रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि इस योजना में कई ऐसे लोगों का भी पंजीकरण कर दिया गया है जो पंजीकरण के लिए योग्य ही नहीं है। और तो और ऐसे लोगों ने आयुष्मान योजना के जरिए 22 करोड़ रुपए तक का लाभ भी ले लिया। सीएजी ने संसद में आयुष्मान भारत योजना पर अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें ये सारी बातें सामने आई। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आंकड़े बताते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत 7.87 करोड़ परिवार रजिस्टर्ड हैं। सरकार ने इस योजना के तहत जो लक्ष्य तय किया था उसका 73% हासिल कर लिया है। ऑडिट रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं। ठीक से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, लाभार्थियों के डेटाबेस में कमियां पाई गई हैं, और तो और ये भी पता चला है कि योजना का फायदा उठाने के लिए फर्जीवाड़ा भी हुआ है। गलत नाम, गलत डेट ऑफ बर्थ जैसी तमाम गलत जानकारियां दी गई हैं। ऐसे में वो लोग रजिस्टर्ड किए गए हैं जो लोग इस योजना के लिए पात्र भी नहीं हैं। ऐसे लोगों ने 22 करोड़ रुपए तक का फायदा भी उठा लिया। यही नहीं, कैग की रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि पैनल में शामिल कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी खराब है, जिनके पास ना तो सपोर्ट सिस्टम है और ना ही ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। कुछ राज्यों में तो पैनल से जुड़े EHCP में लाभार्थियों के इलाज के बदले उनसे पैसा वसूल लिया गया है। कुछ राज्यों में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी ने बिना डेथ समरी मिले, बिना डेथ ऑडिट रिपोर्ट मिले मृत्यु के मामलों में पेमेंट भी कर दिया। वहीं कुछ राज्यों ने दावों को प्रोसेस करने के लिए ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में फीड करने के लिए अपने IT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। इस गलती के कारण आयुष्मान योजना के लाभार्थियों और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के ओवरलैपिंग की आशंका पैदा हो गई है। 4 राज्यों में EHCP को 57,53,00,000 के भुगतान का मामला भी सामने आया है। तो इस तरह से आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला हो रहा है।